अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर शेफ शाहिना शुमाइल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद शाहिना। और आज बन रहे हैं यहाँ मज़ेदार से, क्योंकि हमारा सी फूड वीक चल रहा है। और मैं अगेन वेलकम कर दूँ आपको कि हमारा सी फूड वीक चल रहा है और स्टार्ट कर रहे हैं हम विंटर जो स्टार्ट हो रही है उसको हम वेलकम कर रहे हैं। और आज क्या बन रहा है, आज सी फूड ही बन रहा है। और सी फूड में क्या बन रहा है, आज मेरी फेवरेट डिश बन रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज बन रहे हैं फ़िश एंड चिप्स विथ टार्टर सॉस। और आज हम बना रहे हैं फ़िश एंड चिप्स बना रहे हैं, टार्टर सॉस बना रहे हैं। और साथ हमारे साथ कौन मौजूद है, नूर्स फिशरीज़ के फ़िश मौजूद है। एक्सपोर्ट इनकी क्वालिटी है, नूर्स फिशरीज़ के नाम से इनका फेसबुक पेज है, इनका यूट्यूब पेज है, इनका इंस्टाग्राम पेज है। और इनके नंबर्स हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप वहाँ जा सकते हैं और इनके नंबर्स पे कॉल करके अपना ऑर्डर कर सकते हैं। और इनकी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, फ्री होम डिलीवरी की इनकी सर्विस है। और साथ साथ जो है वो इनका एक बेनिफिट ये है कि इनकी पूरी वेबसाइट दी हुई है, उसमें अगर आपको लॉबस्टर ऑर्डर करने, क्रैब ऑर्डर करने है, डिफरेंट और स्टाइल की फ़िश और डिफरेंट रिवर की फ़िश आपने ऑर्डर करनी है, आपने जो है वो समंदरी मछली ओशन फ़िश ऑर्डर करनी है, जो भी चीज़ आपने ऑर्डर करनी है, आपने प्राउन्स मंगवाने हैं, प्राउन्स भी बहुत तरीके के होते हैं, गोल्डन प्राउन्स होते हैं, पिंक प्राउन्स होते हैं, फ्लावर प्राउन्स होते हैं, मीडियम साइज़ प्राउन्स चाहिए, स्मॉल साइज़ प्राउन्स चाहिए, लार्ज साइज़ प्राउन्स चाहिए, हर चीज़ आपको इनके पास अवेलेबल मिलेगी। यू कैन गो एंड विजिट द वेबसाइट और नूर फिशरीज़। और साथ साथ आ जाते हैं अपनी रेसिपी की जानिब और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मेरे पास मौजूद है, मैं लेके चलती हूँ आपको अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो आइए इंग्रेडिएंट्स क्या मौजूद है मेरे पास। सबसे पहले तो फ़िश बिस्किट्स, फ़िश एंड चिप्स जब भी हम बनाते हैं फ़िश बिस्किट्स से बनाते हैं, तो फ़िश बिस्किट्स 1 kg मेरे पास मौजूद हैं। साथ साथ हम इसके अंदर फ़िश बिस्किट्स में क्या मैरिनेशन, इसको मैरिनेट करेंगे और क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपको बता दूँ। 1 kg मैंने यहाँ पर ली हैं फ़िश बिस्किट्स। और साथ साथ जो है मैंने इसमें जाएगा, इसमें शामिल होगा पेपरिका पाउडर इसके अंदर शामिल होगा 1 tsp, गार्लिक पाउडर इसमें शामिल होगा 1 tsp, ओरिगानो इसमें शामिल होगा 1 tsp, वाइट पेपर इसमें शामिल होगा 1 tsp और ब्लैक पेपर इसमें शामिल होगा 1 tsp, गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल होगा 1 tbsp। आप चॉप्ड गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट से बहुत ज़्यादा अच्छी मैरिनेशन जाती है, तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 tbsp गार्लिक पेस्ट इसके अंदर शामिल होगा। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, सोया सॉस इसके अंदर शामिल होगी 1 tbsp, साथ साथ इसमें शामिल होगा 1 tbsp मस्टर्ड पेस्ट एंड देन विनीगर आप नॉर्मल वाइट वाला जो सिंथेटिक विनीगर होता है आप ले सकते हैं, किसी भी कंपनी किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और साथ साथ जब हम फ्राई करेंगे तो आज मैंने यहाँ पर क्योंकि मैं आपको 2 टाइप की जो है ना वो कोटिंग सिखा चुकी हूँ, एक मैंने आपको बर्गर्स की पैटी में कोटिंग सिखाई थी जो मैं मैदा और कॉर्नफ्लावर और सारी चीज़ें मिला के और चिल वाटर में करी, तो आज मैं डिफरेंट कोटिंग यहाँ लेकर आई हूँ। आप उस कोटिंग से भी फ़िश एंड चिप्स को फ्राई कर सकते हैं और इस कोटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आज डिफरेंट कोटिंग लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे और लिया है मैंने इसके अंदर 4 tbsp मिल्क, 2 अंडे और 4 tbsp मिल्क लिया और मैंने उसको जस्ट बीट करके अपने फोक से इसको दैट्स इट छोड़ दिया है। साथ साथ यहाँ पर मौजूद है मेरे पास ब्रेड क्रम्स मौजूद हैं, ब्रेड क्रम्स बहुत ज़्यादा फाइन नहीं लीजिएगा, थोड़े से ये भुरभुरे इस टाइप के लीजिएगा, थोड़ा सा उनका साइज़ थोड़ा सा अच्छा हो, ठीक है। ये होगा इंग्रेडिएंट्स। अब आ जाते हैं हम टार्टर सॉस की इंग्रेडिएंट्स की तरफ और टार्टर सॉस के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। टार्टर सॉस के लिए हमें चाहिए मायोनीज जो मैंने ली है यहाँ पर 1/2 कप, साथ साथ हमें इसके अंदर शामिल करना है, देखें कि इस तरह से पिकल्स होते हैं, पिकल्स आपके पास मौजूद होते हैं। और पिकल्स किसे कहते हैं, जो सिरके में वेजिटेबल्स हम लोगों ने आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे लेकिन आप घर में बना सकते हैं, तो ये मैंने घर में बनाया है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको बनाए हुए, अभी मैंने यहाँ पर आई थी जब मैं सेट पर, तो मैंने सबसे पहले इसको मेक किया। आपने गाजर को ब्रोनाए कट करना है या चॉप्ड गाजर आपने इस तरह से कट कर लेनी है, उसके बाद आपने विनीगर लेना है और इसको सिर्फ इसमें सोक करके रख देना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, 1 से 2 दिन का 3 दिन का 4 दिन का, तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आपको मार्केट्स में बॉटल्स मिलती हैं आप वो ले लें पिकल की, और अगर आप वो नहीं ले सकते हैं तो आप इस तरह से बना लें, और मतलब रेसिपी जनरेट करने से 1 घंटे पहले भी अगर आप इस तरह कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये जो कुकम्बर था मैंने आपको दिखाने के लिए कि मैंने इसको चॉप्ड करा हुआ था और मैंने इसमें विनीगर अभी नहीं डाला है, तो इसका पिकल किस तरह बनेगा, तो यहाँ पर मेरे पास विनीगर मौजूद है और ये मेरे पास जो है वो खीरा मौजूद है और मैं इसमें इस तरह से जस्ट सोक करके हम इसको रख देंगे।
और ये तैयार हो गया है हमारा पिकल। और साथ साथ ये हैलापीनोस थी, ये भी मैंने अपने घर में बना कर रखी हुई थी, लेकिन इनको काफ़ी टाइम हो गया, 1 से 2 महीने इनको हो गए, फ्रिज में मैंने स्टोर करके रखी हुई थी। और ये मैंने इसी तरह से बनाई थी, हैलापीनोस को मैंने राउंड में कट किया था, अभी तो मैंने इसे चॉप्ड किया हुआ है, और मैंने इसको सिरके में भिगोकर और शीशे की बॉटल में, एयर टाइट बॉटल में इसको मैंने बाहर धूप में रखा 1 महीना, और उसके बाद जो है मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। तो ये बहुत अच्छा हमारा पिकल तैयार हो जाता है और ख़राब भी नहीं होता। ये ऑयल है मेरे पास, फॉर मैरिनेशन में जाएगा, और तमाम चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, और कोई चीज़ अगर मिस हो गई तो मैं साथ साथ बताती रहूँगी। अच्छा, फिश एंड चिप्स बना रहे हैं तो चिप्स ज़रूरी होते हैं, और चिप्स किस तरह से बनेंगे आज वो भी मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आई थी तो मैंने वाटर बॉयल करने रख दिया था, और ये तकरीबन वाटर बॉयल हो गया है, और ये जो मैंने चिप्स हैं इसको मैंने कट किया हुआ है, बेटोनेट कट कहलाता है ये, इस तरह से मैंने पोटैटोज को काट के रख दिया, और जो है ये हॉट वाटर में मैं इसको ऐड कर रही हूँ। इसका जैसे ही एक बॉयल आ जाएगा हमने इसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेना है, तो हम इसका एक बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे क्योंकि हमें फ्राइंग भी करनी होती है। अच्छा, साथ साथ हम फिश को मैरिनेट कर लेते हैं, फ़िश की मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं, और ये ब्रेड क्रम्स की मुझे अभी नीड नहीं है, फॉर फ्राइंग हमें ज़रूरत होगी, और एग की भी हमें फॉर फ्राइंग ज़रूरत होगी, तो मैं ये दोनों चीज़ें पैन पे रखती हूँ। अच्छा जी, ये दोनों चीज़ें मैंने रख दी हैं बैग पे, अब आ जाते हैं हम अपनी फ़िश की मैरिनेशन की तरफ। अच्छा, इनकी फ़िश जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की आती है, हमें सफाई वगैरह जो आपको कट चाहिए होगा, अगर आपको बिस्किट्स चाहिए आप बिस्किट्स ऑर्डर कर दें, अगर आपको फ्लेज चाहिए आप फ्लेज ऑर्डर कर दें, अगर आपको फिंगर फिश चाहिए तो आप फिंगर फिश ऑर्डर कर दें, और आपको अगर नॉर्मल जो मैंने कल बनाई थी यहाँ पर थाई फ़िश बनाई थी उसके लिए मैंने रेड स्नैपर हीरा मछली ली थी, तो आपको अगर वो चाहिए, रिवर सोल चाहिए, पॉम्फर्ट चाहिए, ब्लैक कोई भी आपको फ़िश चाहिए आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, इनके बहुत साफ़ इनके देखें आप फ्लेज मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हम मैरिनेशन तैयार करेंगे, और मैरिनेशन तैयार करने के लिए मैं कुछ चीज़ें ले लूं। तो अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट, क्योंकि 1 kg की क्वांटिटी थी, 1 tablespoon 1 kg की क्वांटिटी में मस्टर्ड पेस्ट मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। 1 kg की क्वांटिटी में 1 tablespoon मस्टर्ड पेस्ट आप ऐड करेंगे, 1/2 kg की क्वांटिटी में 1/2 tablespoon ऐड करेंगे। मस्टर्ड पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है, साथ साथ जो है वो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है गार्लिक पेस्ट, 1 tablespoon मैंने इसमें शामिल किया है। इसके अलावा इसके अंदर शामिल करेंगे हम गार्लिक पाउडर मोर फ्लेवरिंग के लिए, 1/2 teaspoon आई एम गोना ऐड दिस। साथ साथ मेरे पास पैप्रिका पाउडर है, पैप्रिका पाउडर 1 teaspoon। इसके अलावा सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ फिश को देखते हुए कितनी मेरी फिश है, कितना इसमें सॉल्ट जाएगा। अच्छा जी, ब्लैक पेपर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, ब्लैक पेपर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 teaspoon अराउंड, ये 2 teaspoon है, 1 teaspoon हम अपनी कोटिंग में ऐड करेंगे। साथ साथ मेरे पास यहाँ मौजूद है वाइट पेपर, 1/4 teaspoon वाइट पेपर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, 2 tablespoon ऑफ ऑयल, 2 tablespoon मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, और साथ साथ मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ ये विनीगर है मेरे पास 2 tablespoon, मैं इसमें विनीगर ऐड करूँगी, और साथ साथ मैं इसके अंदर जो है वो फ़िश को अब इसके अंदर सोक करूँगी और फ़िश को मैरिनेट करूँगी, और थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट और मुझे कम लग रहा है डाला, और साथ साथ सोया सॉस है मेरे पास मौजूद 2 tablespoon, तो मैंने सोया सॉस भी इसमें 2 tablespoon ऐड कर ली है। अब क्या करेंगे हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, फ्राइज हमारे एक बॉयल आ चुका है, अब मैं इसको स्ट्रेनर में डाल रही हूँ। ठीक है, अच्छा, फ्राइज़ जो है हमेशा जब हम गर्म पानी से निकालेंगे तो उसको हम ठंडा करने रखेंगे, उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर की कोटिंग करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम बना रहे थे मैरिनेशन, तो आ जाते हैं हम दोबारा से अपनी मैरिनेशन की तरफ, और मैं कर रही हूँ अब इसको मिक्स।
जी तो हो गया ये मिक्स और अब ग्लास पैन है और बारी है इसकी मैरिनेशन की। आपने देखा कि इतनी मैरिनेशन इनफ थी इस फिश को कवर करने में और बहुत अच्छे से हमारी फिश फुली मैरिनेट हो गई है, तो हमारी मैरिनेशन कम नहीं पड़ी है 1 kg के हिसाब से। तो ये परफेक्ट रेशो ऑफ मैरिनेशन है, आपने इसी को फॉलो करना है। जी तो यहाँ हो गई है फिश की मैरिनेशन और अब हम इसको भी रेस्ट देंगे। अच्छा, इसकी मैरिनेशन टाइमिंग आपने कितनी देनी है? आपने फिश की मैरिनेशन टाइम थोड़ी सी कम होती है क्योंकि फिश बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है, तो फिश की मैरिनेशन क्योंकि हमने इसमें विनीगर ऐड करा है तो विनीगर में खासियत होती है कि चीज़ को थोड़ा सा गलावट की तरफ ले जाती है। तो आपने सिर्फ इसकी अराउंड 1 आवर आपने इसकी मैरिनेशन टाइमिंग देनी है और हम कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा मैरिनेशन टाइमिंग दे सकें दे दें, लेकिन अभी हम ज़्यादा नहीं दे सकते हैं तो मैं इसको बैक पर रख देती हूँ और जितना टाइम हो सकता है हम उतना दे दें इसे। अच्छा, इसको मैंने मैरिनेट करने रख दिया है, यहाँ से क्लीन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब बारी है हमारे टार्टर सॉस की और टार्टर सॉस बनाने से पहले मैं आपको पिकल्स बनाने, मैंने आपको दिखा दिए थे कि इस तरह से पिकल्स बनेंगे और इसको हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। तो मैं टार्टर सॉस का आपको बता रही थी कि टार्टर सॉस किस तरह से बनती है और टार्टर सॉस मेरी मोस्ट फेवरेट सॉस है। टार्टर सॉस इस तरह से बनती है कि ये पिकल्स मौजूद होते हैं हमारे पास, हम उससे बनाते हैं। और अगर आपके पास पिकल्स मौजूद नहीं है तो आप क्या करें, आप इस तरह से जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर पिकल बनाना सिखाया, क्योंकि कुकम्बर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है तो मैंने इसलिए आपके सामने इसमें, तो हम कुकम्बर को थोड़ा सा टाइम देंगे। अच्छा, हम साथ साथ ले लेते हैं इसमें मायोनीज़ और मायोनीज़ हमने लेनी है यहाँ पर। मायोनीज़ यहाँ पर मेरे पास 1/2 कप मौजूद है। हाफ कप मैंने मायोनीज ऐड करी है इसके अंदर। साथ साथ जो है वो ये मेरे पास कैरेट्स मौजूद थी, कैरेट्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आपने कैरेट्स और ये सब पिकल के साथ ऐड नहीं कर देनी है, आपने इस तरह से अंदर से इसको निकालना है। कोशिश कीजिएगा आप इसको 2-4 घंटे पहले बना के रख लें, हमारी मजबूरी होती है, हमें दिखाना होता है, लाइव शो होता है, ठीक है। और ये इस तरह से आपने निकालना है, आपने विनीगर जो है ना इसका इसमें ही रहने देना है। अच्छा, हैलापीनोस मेरे पास मौजूद हैं, हैलापीनोस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और साथ साथ मैं इसके अंदर थोड़ा सा ओरिगानो ऐड कर रही हूँ, पिंच ऑफ, आई एम गोना ऐड दिस, सॉल्ट, पिंच ऑफ, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर 1/4 टीस्पून। साथ साथ जो है हम इसमें गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे फॉर फ्लेवरिंग, गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून मैंने ऐड किया है। और अब हम ले लेते हैं ये कुकम्बर का भी पिकल, जो थोड़ा सा मैं इसको और सूप कर दूं।
अच्छा जी, जब तक मैं इसको यहाँ पर जो है ककंबर को ऐड किया है मैंने, बाकी की सॉस, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आके बनाएंगे, तो मैं इसको एज इट इज़ छोड़ रही हूँ और बाकी की सॉस जो है वो ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले टार्टर सॉस को मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया था क्योंकि मैंने सोचा मैं आपके सामने ही, और जब फ्राइज़ हमारे ठंडे हो गए थे तो मैं वो मैंने यहाँ निकाल के रख दिए हैं और हम मेक करें अपनी टार्टर सॉस। अच्छा, आपने इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। जी, तो यहाँ हम हो गई है हमारी टार्टर सॉस रेडी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फॉर फ्राइज़ की तरफ। हम फ्राइज़ को फ्राइंग कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी फ़िश को फ्राई करेंगे, ठीक है। तो टार्टर सॉस हमारी यहाँ पे हो गई है रेडी, और इस तरह से आपने बना लेनी है। और कितनी सिंपल, हमने घर की चीज़ों से इसे तैयार किया है, कोई मार्केट से हमने चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी हैं कि इसमें हमने, बस सिर्फ मायोनीज़ जो थी वो हमने बनाई नहीं है। और मायोनीज़ भी बनती है घर में, तो मैं वो भी तरीका आपको सिखाऊंगी। इसको मैं रख देती हूँ साइड में। आ जाते हैं हम अपनी फ्राइज़ की तरफ, और फ्राइज़ में मैं ऐड करूँगी यहाँ पर कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर फॉर फ्लेवरिंग, वाइट पेपर फॉर फ्लेवरिंग, देन ऐड गार्लिक पाउडर फॉर फ्लेवरिंग, एंड देन पैप्रिका पाउडर फॉर फ्लेवरिंग। दैट्स इट, और यू कैन मिक्स इट। ऑयल हमारा जो है वो गरम हो चुका है, और ऑयल जो है ना फ्राइज़ के लिए जो उसका टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर उसका, अच्छा ये झट पट से हमारे फ्राइज़ जो है ना वो बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगे। इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये हमने ब्लांच कर लिए थे इसको। मैंने इसको हाफ डन नहीं करा, मैंने इसको ब्लांच करा है। जस्ट मैंने एक बॉयल आया है हॉट वाटर में और मैंने इसको स्ट्रेन करा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें कॉर्नफ्लावर और ऐड करूँगी। जी, हो गया ये। अच्छा, ऑयल हमारा हॉट हो गया है, आई थिंक बहुत ज़्यादा ही हो गया है। जी, तो अब हम इसमें डालेंगे फ्राइज को, और ये एक ही शिफ्ट में ये सारे फ्राई हो जाएंगे। जी, तो फिश एंड चिप्स के चिप्स तो अब रेडी हो रहे हैं, और बारी है फिश की। अच्छा जी, हम आ जाते हैं अपने ये बैटर की तरफ, और इस बैटर को हमने क्या करना है, किस तरह करना है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैंने ऐड करना है पैप्रिका पाउडर क्रम्स में, गार्लिक पाउडर क्रम्स में 1 टीस्पून है, ओरिगानो है, ब्लैक पेपर पाउडर है 1/2 टीस्पून है, साथ साथ जो है वो वाइट पेपर पाउडर है। थोड़ा सा हम सॉल्ट भी ऐड करेंगे जी, तो ये देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद इसको मैंने हाथ से, आप किसी फोक से भी मिक्स कर सकते हैं, पर मैंने ग्लव्स पहना हुआ था तो मैंने हाथ से मिक्स किया है। ये मिक्स हो गया है यहाँ पर। अच्छा जी, और ये वाली जो प्यालियाँ हैं और ये चीज़ें हैं, इसकी मुझे नीड नहीं है, मैं यहाँ से टेबल क्लीन कर लेती हूँ। और साथ साथ हम अपने फ्राइज को भी देख लेते हैं, क्योंकि इसको भी बहुत अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन कलर का इसका कलर हमने लाना है। यहाँ पर जो है ये मैं फ्राइज को फ्राई कर रही हूँ, और जल्दी से हो जाएंगे ये, लेकिन हमें इसका परफेक्ट कलर चाहिए।
अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसका ब्रेड क्रम्स को मिक्स कर दिया था और साथ साथ जो है वो मैं अपनी फ़िश को यहाँ ले आती हूँ और इनकी सी द क्वालिटी ऑफ फ़िश, प्रॉपर फ़िश बिस्किट्स हैं। नूर फिशरीज आज हमारे साथ मौजूद है और सारा सी फूड उनका है। पूरा वीक हम नूर फिशरी का सी फूड बना रहे हैं और स्क्रीन पे इनके नंबर्स आ रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और साथ साथ वीनस एशी टीवी का यूट्यूब चैनल भी है, अगर कोई चीज़ मिस हो जाए आपसे, कोई रेसिपी मिस हो जाए तो आप जा सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, कुकिंग विद शाहीना वीनस लिखे और सर्च कर सकते हैं हमारी रेसिपीज़। जो भी रेसिपी आपसे मिस हो जाए और इसके अलावा कोई सवाल पूछना है, कोई रेमेडी पूछनी है, तो हमारा फेसबुक पेज भी है, वहाँ भी जा सकते हैं आप, अपने हमसे सवाल कर सकते हैं, रेमेडी पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। आई होप आप हमारा सी फूड वीक इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा साथ ये एग्स, अच्छा एक दफ़ा मैं इसका रिपीट भी कर दूं, जब तक हमारे फ्राइज फ्राई हो रहे हैं, मैंने इसको मैरिनेशन किस इसको मैरिनेट किस तरह किया था। तो फ़िश एंड चिप्स की जो फ़िश हम मैरिनेट करते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ लिया था वन के जी फ़िश थी, 1 टेबल स्पून मैंने लिया मस्टर्ड पेस्ट, 1 टेबल स्पून मैंने लिया इसके अंदर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबल स्पून विनीगर, 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल एंड 2 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस, पेपरिका पाउडर इसके अंदर 1 टीस्पून लिया, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून लिया, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून लिया एंड देन वाइट पेपर 1/4 टीस्पून, और सॉल्ट डाल के मैंने इसे मैरिनेट करने रख दिया। और इसकी मैरिनेशन टाइमिंग आपने 1 घंटा देनी है और हमने जो है इसका जितनी देर हम दे सकते थे हमने इसको दी, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा देर मैरिनेशन की वजह से मैंने इसको फिश फ्राइज को पहले फ्राई करने रख दिया था। फ्राइज जो है अब हमारे यहाँ फ्राई हो रहे हैं और अब हम आ जाएंगे फिश की तरफ। फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई करेंगे, जब भी आप फ्राइज को या किसी फ्राई आइटम को निकालें तो आप फ्लेम को थोड़ा सा हाई करा करें ताकि उसका जो एक्सेस ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए, बहुत ज़्यादा ऑयली चिप्स। और उसको इस तरह से आप किसी ट्रे में, किसी स्ट्रेनर में रख सकते हैं ताकि ऑयल जो है वो रिलीज़ हो जाए, एक्सेस ऑयल। अच्छा एक टिप भी और भी है फ्राइज़ को क्रिस्पी बनाने की, आपने क्या करना है, यू कैन ऐड सम सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट आपने इस तरह से ऑयल में डाल देना है इस, और इसके बाद आपने बहुत ज़्यादा स्पून वगैरह नहीं चलाना है, उससे क्या होगा आपके फ्राइज़ बहुत क्रंची बनेंगे। तो ये छोटी सी एक टिप है, आज मैंने आपको फ्राइंग की जो परफेक्ट फ्राइंग चिप्स होते हैं उसकी मैंने आपको रेसिपी भी आज सिखा दी है कि हमने किस तरह उसको ब्लांच करना है, देन उसको हमने ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद हमने उसमें कॉर्नफ्लोर और फ्लेवरिंग करनी है एंड देन फ्राई करना है। अच्छा बिफ़ोर फ्लेवरिंग आपको नहीं पता होगा कि बिफ़ोर फ्लेवरिंग भी करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि आफ्टर फ्लेवरिंग कर रहे होते हैं, तो आफ्टर फ्लेवरिंग इंपॉर्टेंट है लेकिन बिफ़ोर फ्लेवरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब ये इसका कलर ऐसा ना हो, ये बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाए, तो अब हम इसको निकालेंगे और ये मैं यहाँ इसको इस तरह से ट्रे में निकाल रही हूँ। जी तो फ्राइज मैंने निकाल दी हैं और इसका एक्सेस ऑयल के लिए हमने इसको रख दिया है और मैं यहाँ इसको रख रही हूँ। साथ साथ हम अब अपनी फ़िश को फ्राई करेंगे और फ्लेम को मैंने अब लो किया है क्योंकि फ़्लेम बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है और ही जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो चुका है। अब आ जाते हैं हम अपने फ़िश एंड चिप्स की फ्राइंग की तरफ, आ जाते हैं फ़िश की तरफ। और ये फ़िश बिस्किट्स मैंने लिए इस तरह से, इसमें मैंने ब्रेड कोटिंग करी, देन मैंने इसमें एग की कोटिंग करी, एग और मिल्क की कोटिंग, अगेन मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करी, सारे साइड से आपने इसकी कोटिंग करनी है, ठीक है। और आप इस तरह से इसको डाल सकते हैं। अगेन मैंने फ़िश बिस्किट लिया और इसको मैंने ब्रेड क्रम्स, देन मैंने एग, देन अगेन ब्रेड क्रम्स, आपको जो मैंने एक और कोटिंग सिखाई हुई है आप वो वाली कोटिंग भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा आज डिफरेंट कोटिंग आपको सिखाई जाए।
बहुत ज़्यादा आपने भरने नहीं है, बहुत ज़्यादा आपने डालने नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से आपने इसको फ्राई करना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है लिटरली। एक तो मुझे फ्राइंग चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पसंद है ना, और ये मेरे फेवरेट हैं फिश एंड चिप्स, और टार्टर सॉस के साथ तो ये क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना। अच्छा, सी फूड खाने के क्या बेनिफिट्स हैं? सी फूड खाने का पता है आपको एक बेनिफिट्स और है, अगर आप ट्वाइस अ वीक सी फूड खाते हैं ना, तो आप हार्ट डिजीज़ से जो है ना, हार्ट अटैक से, इन सारे कॉजेज़ से जो है ना, आप बचे रह सकते हैं। तो फ़िश खाने से ये होता है, और सबसे अच्छी हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है फ़िश से, और फ़िश से क्या होता है, हमारे नेल्स बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, और हमारे हेयर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो आपने जो है वो, अब सीज़न आ गया है तो आपने ज़रूर फ़िश जो है वो, ऐसे तो 12 महीने हम फ़िश खा सकते हैं, इसके लिए कोई ये नहीं है कि आपने, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ। अच्छा, फ्लेम को ना अब हम थोड़ा सा हाई करेंगे, ताकि जो है वो, अब हमारा ऑयल थोड़ा ठंडा हो गया था तो हमने उसको हाई किया। अच्छा, मैं इसमें और पीसेस ऐड करूँगी, 1 से 2 पीसेस मज़ीद ऐड करूँगी, एंड दैट्स इट, हम सेकेंड शिफ्ट में इसको ऐड करेंगे। जी, तो ये अब मैं इसमें मज़ीद एक पीस यहाँ मैंने ऐड किया है, एंड देन ये फुल फिल हो गया है, और मैं एक पीस कोशिश करती हूँ और आ जाए इसमें, फिर हम सेकंड शिफ्ट में ऐड करेंगे। अच्छा जी, ये मैं ग्लव्स रिमूव कर रही हूँ, और इसकी क्या वजह है कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, मैं दूसरा यूज़ कर लूँगी। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा, आपने इसको इस तरह से सेट करना है। आप देखिए, मैंने अभी तक इसमें स्पून नहीं चलाया है, तो आपने अवॉइड करना है स्पून, ठीक है। ये सेट हो गए सारे, और सब जगह ऑयल आ गया है, और इसको डीप फ्राई करते हैं हम। और इसका जो ऑयल होता है, आपने उसको वेस्ट नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हमने फिश बना ली इस ऑयल में तो हम इसमें और फ्राई नहीं कर सकते, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने इसमें फ़िश फ्राई कर ली है ऑयल में, तो आप क्या करें, उसके बाद आप जब नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ करें, एक तो सबसे पहले आप इसको स्ट्रेन कर लें, और स्ट्रेन कर लें उसको, उसके बाद आप क्या करें, एक रोटी का निवाला ले लें, या एक डबल रोटी का पीस ले लें, और उसको आपने इसके अंदर ऑयल में डाल के उसको ऑयल में लो फ्लेम पर उसको ब्लैक कर लेना। जब वो ब्लैक हो जाए तो आपने उसको निकाल लेना है। अच्छा, इसके साथ ही टाइम हो गया है अगेन ब्रेक का, सो हम लेते हैं एक ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आवर ब्रेक, और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शाही नवीना सैशी टीवी, और यहाँ पर जो है बन रहे हैं फिश एंड चिप्स। चिप्स हमारे रेडी हो गए हैं, टार्टर सॉस हमने रेडी कर ली थी, और यहाँ पर मैंने एक स्लॉट जो है वो फिश की निकाल ली थी। अगेन जो वाली स्लॉट है, हम वो अब इसमें शामिल कर देते हैं, और इसको भी हम कर लेते हैं फ्राई। तो यहाँ पर जो है मैरिनेट किया हुआ था। अच्छा, अगर थोड़ी सी मैरिनेशन आपको कम लगे, इस तरह से आप हाथ से दोबारा से इसको मिक्स करके अच्छे से मैरिनेट कर सकते हैं। देन आपने लेना है ब्रेड क्रम्स, द नेक, अगेन ब्रेड क्रम्स, और हम अब इसे शामिल कर रहे हैं इसके अंदर।
इस तरीके से आप इस तरह से दोबारा से ये रिपीट भी हो गया है। अच्छा, फ़िश से जो है ना, खाने से जो मैंने आपको बताया था कि एक तो बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं और दूसरा आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लो करने लगती है, आपके हेयर्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, नेल्स आपके ग्रो करते हैं। तो आप लोगों को जिनको प्रॉब्लम है कि हमारे बाल नहीं बढ़ते हैं, तो वो फ़िश जो है ना वो ट्वाइस अ वीक ज़रूर खाएँ और अपने मेन्यू में आप इसे शामिल करें। और डिफरेंट रेसिपीज़ मैं आपको यहाँ पर फ़िश की बनानी सिखा रही हूँ, सी फूड की सिखा रही हूँ, तो आपने वो सारी रेसिपीज़ फॉलो करनी है। और एक दफ़ा मैं और इस सीज़न में, विंटर सीज़न में सी फूड वीक करूँगी और उसमें भी जो है ना मैं आपको फ़िश के बर्गर्स और क्रैब का सूप, ये सारी चीज़ें बनानी भी सिखाऊंगी ताकि आपको डिफरेंट वैरायटी हो। अगर ये ना हो कि अगर दो हफ्ते में दो दिन हम फ़िश खा रहे हैं तो हम एक ही स्टाइल से खा रहे हैं, इतने सारे स्टाइलिंग है फ़िश सी फूड बनाने के, फ़िश बनाने के। और फ़िश का कोरमा बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है, तो वो भी मैं आपको बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। तो सारी हम सारे वेरिएंट जो है ना हम सारे सीखेंगे फ़िश के बनाने के। और साथ साथ हम जो है वो यहाँ पर कोशिश करेंगे कि मैं लॉबस्टर भी बनाऊँ, मैं क्रैब भी बनाऊँ, सारी चीज़ें मैं आपको बना के जो है वो सिखाऊं। और झींगा बिरयानी भी हमारे अपकमिंग मेन्यू में शामिल है, तो आपने पूरा वीक एक भी एपिसोड हमारी मिस नहीं करनी है, सारी एपिसोड्स आपने हमारी देखनी, क्योंकि ये सारी जो रेसिपीज़ हैं बहुत मैंने सोच समझ के प्लान करा है कि सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को मैं सिखा सकूँ जो कि ज़रूरत है। अच्छा जी, अगेन इस तरह से हम ब्रेड क्रम्स में कोट कर रहे हैं। पर हम इसे ऐड करेंगे। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा पीस आपने ऐड नहीं करने हैं, अगर थोड़ी सी जगह मुझे, बल्कि ये स्मॉल थोड़े से पीसेज हैं तो मैं इसे भी ऐड कर देती हूँ। जी, तो जितनी स्पेस थी उतनी मैंने जो है इसके अंदर फ़िश डाल दी है फ्राई के लिए। और अब हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। थोड़ी सी फ्लेम को मैंने हाई किया है अब, और अब हम इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे। अच्छा, इसको मैंने टर्न कर लिया है और जब तक हम इसको बना लेंगे, कुक कर लेंगे, फ्राइज़ हमारे रेडी थे। और अब मैं जो है वो अपने चिकन के जो पीसेज हैं, सॉरी फ़िश के जो पीसेज हैं, फ़िश एंड चिप्स, यहाँ पर कर रहे हैं हम इसे डिश आउट। और टार्टर सॉस हम ले लेते हैं। थोड़े से कैरेट्स के, ये इस तरीके से, और सॉस हम अपनी ग्लास में निकाल लेते हैं। फिश को देख लेते हैं बहुत ज़्यादा फ्राई, ठीक है जी। और ये हम अपनी सॉस को निकाल रहे हैं इसके अंदर। हम यहाँ पर भी इसको
जी, तो हमारी आज की रेसिपी हो गई है डन, और आई होप आपने इंजॉय की होगी हमारी आज की रेसिपी। और साथ साथ जो है हमने आज सी फूड बनाया है नूर्स फिशरीज की फिश से हमने ये सी फूड बनाया है, और आपने ज़रूर इनकी वेबसाइट विज़िट करनी है, इनके कॉन्टेक्ट नंबर्स हमारी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आपने कॉल करनी है, और साथ साथ आपने इनको कॉल करके जो है वो ऑर्डर करना है। यहाँ से आपको सारी वैरायटी ऑफ सी फूड की यहाँ पर मिलेगी, क्रैब्स मिलेंगे, लॉबस्टर मिलेंगे, प्राउन्स मिलेंगे, फिशेस मिलेंगी, और आपको फ़िश बिस्किट चाहिए, फिंगर फिश चाहिए, या आपको किसी भी टाइप की फ़िश चाहिए, समंदरी फ़िश चाहिए, दरियाई मछली चाहिए, तो सारी फिशेस की इनके पास वैरायटी मौजूद है। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारी इस आज की रेसिपी को। और साथ साथ मैं इसको भी देख लूँ, ये हो गए हैं तो मैं इसको निकाल रही हूँ। जी, तो हमने बाकी के फ़िश भी अपने निकाल लिए और फ़िश एंड चिप्स हमारे हो गए कंप्लीट। इसके साथ ही आज की हमारी रेसिपी हो गई डन, और हमने बहुत ही मज़ेदार फ़िश एंड चिप्स बनाए। आई होप आपको आज के एपिसोड बहुत पसंद आएगा, और कल का एपिसोड भी आपने मिस नहीं करना। कल भी हम बना रहे हैं सी फूड ही, क्योंकि हमारा सी फूड वीक चल रहा है, और नूर्स फिशरीज से ऑर्डर करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही मुझे और वीनस आई जी टी वी की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।